इससे पहले कि हम आज अपने पेशेंट सुनील काकरिया के बारे में डिस्कस करें, मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि एकमात्र उपाय बॉल्डनेस का, गंजेपन का, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से सारा एरिया भर जाएगा और बॉल्डनेस भी अपने कदमों में थम जाएगी, या तो वो अच्छा मजाक कर लेते हैं और या उनको हेयर लॉस, हेयर ट्रांसप्लांट और बॉल्डनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो इससे पहले कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, ये जो दो वीडियो हैं ये जरूर देख लीजिए, इससे आपको और जानकारी मिलेगी कि कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए कब कब मेडिसिन की आवश्यकता पड़ सकती है। सो अब देखिए काकरे जी का रिजल्ट ग्रेड 5 मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए। Years old है वो, उन्होंने टैबलेट फिनेस्टाइड ली है 6 महीने अलॉन्ग विद 5% मिनोक्सिडिल और ये हमारे पास अब आए हैं 6 महीनों के बाद रिव्यू के लिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना है, हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर मेन एंड वेमेन के बारे में जानना है, या आपको जानना है कि हेयर ट्रांसप्लांट इन चंडीगढ़ कैसे होता है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हैव अ नाइस डे। ये जान के आप आश्चर्यचकित होंगे कि काफी क्लिनिक्स, मोस्टली ऑल क्लिनिक्स, लॉन्ग टर्म हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स नहीं दिखाती। हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल तो उग ही जाते हैं, नेचुरली ना भी सही लेकिन उगते तो सारे हैं, लेकिन ये बालों को लॉन्ग टर्म के लिए उसी अवस्था में रखना बिना मेडिकेशन के, स्पेशली अगर आप 25 से 30 साल के हो, नामुमकिन है। इसीलिए कोई क्लिनिक आपको लॉन्ग टर्म हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट 10 साल के बाद दिखाता ही नहीं है। हमारे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अगर आपने देखने हो तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए।